10 क्वेश्चंस है जो मुझे मोस्टली सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। आज का जो वीडियो है उसमें मैं बात करने वाली हूँ कि एज की क्या लिमिट होती है फैशन डिजाइनिंग के लिए, आप कौन से कॉलेज से एडमिशन ले सकते हो, फी स्ट्रक्चर क्या होता है, सिलेबस क्या क्या होता है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी मिलती है, कॉलेजेस में अच्छा पढ़ाया जाता है या नहीं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो मैंने एक्चुअल में लिखे हुए हैं अपने मोबाइल में। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा मोस्टली रिक्वेस्टेड क्वेश्चंस के ऊपर होने वाला है। ऑफकोर्स दिस इज एपिसोड 7 ऑफ दिस सीरीज विच इज़ ऑल अबाउट फैशन डिजाइनिंग, एंड आज मैं कुछ और अपलोड करने वाली थी। एज आई हैव सेड कि मैं फैशन डिजाइनिंग में हाउ टू टेक एडमिशन आफ्टर 12th के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, बट ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा मोस्टली रिक्वेस्टेड वीडियो था। बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मुझे काफ़ी बार रिपीट होते हैं, और मैंने सोचा कि आगे की सारी प्रोसेस जानने के लिए आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर्स पता होना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ अ वेरी वर्थ वीडियो जहाँ पे मैं बहुत सारे मिथ्स क्लियर करूँगी जो आप लोगों को है फैशन डिजाइनिंग के बारे में। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो मुझे रिपीटेडली पूछे जाते हैं इंस्टाग्राम पे जो DMs आते हैं या फिर जो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछे जाते हैं। हालांकि मैं 99.9% क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, बट फिर भी ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मैं चाहती थी कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँ जहाँ पे मैं आपके ये सारे डाउट्स क्लियर करूँ, ताकि बहुत लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे एक्चुअल में नहीं है और फिर भी वो मुझसे बात करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल हो। ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन टॉक टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी, दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी। इफ यू डू नॉट हैव अ इंस्टाग्राम आईडी देन यू कैन टॉक टू मी ऑन माई ट्विटर आईडी। इफ यू डू नॉट हैव अ ट्विटर आईडी यू कैन सिंपली ईमेल मी, ईमेल तो सबके पास होता है, आप मुझे ईमेल कर सकते हो, दिस इज माई ईमेल आईडी। एज वेल एज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं काफ़ी सारे फैशन डिजाइनिंग के ऊपर वीडियोज बनाती हूँ। लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो, बट बिफोर दैट जस्ट अ स्मॉल इंट्रो। आई एम ऐशरा वाघ एंड आई एम अ फैशन स्टूडेंट, आई एम डूइंग मास्टर्स इन फैशन डिजाइनिंग, एंड हेयर ऑन दिस चैनल आई टॉक मोस्टली ऑल अबाउट फैशन डिजाइनिंग। ऑल्सो आई डू सम lifestyle vlogs, travel vlogs and some fashion education videos. You can check my channel if you're interested, then please subscribe to my channel क्योंकि हम काफ़ी क्लोज है 1000 सब्सक्राइबर्स के। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन कि मुझे काफ़ी बार पूछा जाता है कि एज लिमिट क्या होती है फैशन डिजाइनिंग करने की। सो लेट मी टेल यू गाइज, अगर आप NIFT कॉलेज से फैशन डिजाइनिंग करते हो तो ही आपको एज लिमिट होती है कि आपको 12th पास होना पड़ता है, एंड 23 की एज तक ही आप NIFT कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो क्योंकि दैट इज अ गवर्नमेंट कॉलेज एंड वहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। बट अगर आप किसी भी कोई भी इंस्टीट्यूट से फैशन डिजाइनिंग करते हैं तो आपको कोई एज लिमिट ही नहीं होती है। आप 17 के एज में भी फैशन डिजाइनिंग कर सकते हो, आप 70 के एज में भी फैशन डिजाइनिंग कर सकते हो, तो देर इज़ नो एज लिमिट। ये काफ़ी मिथ है कि फैशन डिजाइनिंग करने के लिए कुछ एज लिमिट हो सकती है या फिर आप इस एज लिमिट के बाद नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कुछ क्लासमेट है जो 70 के एज में भी फैशन डिजाइनिंग कर रहे हैं, और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो 10th के बाद भी फैशन डिजाइनिंग कर रहे हैं। सो देर इज़ अ नो एज लिमिट, आप किसी भी एज में फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन इज 11th और 12th में सब्जेक्ट क्या लेना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है, हर किसी के मन में यही क्वेश्चन है कि हमारा अभी 10th हुआ है, हम 11th 12th करना चाहते हैं और हम सब्जेक्ट कौन सा लेंगे ताकि हम आगे चल के फैशन डिजाइनिंग कर सकें। तो गाइज फैशन डिजाइनिंग के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है सब्जेक्ट का, आप आर्ट ले सकते हो, साइंस ले सकते हो या फिर कॉमर्स ले सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट के थ्रू आप फैशन डिजाइनिंग कर सकते हो। इफ़ यू आस्क मी तो मैं ये कहूँगी कि आप उस सब्जेक्ट में एडमिशन लो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। अगर आप काफ़ी स्टूडियस हो और आपको मैथ्स साइंस ये सब सब्जेक्ट पसंद है तो आप साइंस ले सकते हो, अगर आपको पर्टिकुलरली मैथ्स पसंद है तो आप कॉमर्स ले सकते हो, अकाउंट्स ले सकते हो, और अगर आपको आप ज़्यादा स्टूडियस नहीं हो, आपको सिर्फ आर्ट में ही इंटरेस्ट है, फैशन डिजाइनिंग ही करनी है आगे चल के, देन आप आर्ट्स ले सकते हो और उसके साथ साथ आप फाइन आर्ट्स के क्लासेस कर सकते हो ताकि आपकी स्किल्स इम्प्रूव हो, एंड दैट इज़ अ वेरी प्रेफरेबल ऑप्शन। ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि आर्ट्स लेने के बाद वो फैशन डिजाइनिंग लेते हैं, एज वेल एज उनका सोशल साइंस भी पढ़ लेते हैं और उनका आर्ट स्किल्स भी काफ़ी इंप्रूव हो जाते हैं 11th 12th के थ्रू। द थर्ड क्वेश्चन इज कि पासिंग मार्क्स क्या होने चाहिए। अगर आप 10th के बाद एडमिशन लेते हो तो आपको पासिंग मार्क्स ही चाहिए, अगर आप 12th के बाद एडमिशन ले रहे हो तो आपको मिनिमम 50% का क्राइटेरिया होता है एडमिशन के लिए, एंड दैट इज़ अ क्राइटेरिया। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ये पॉलिसी स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है, तो 12th में आप मेक श्योर कि आप वो सब्जेक्ट लो, उससे आपको अच्छे मार्क्स आप कवर कर पाओ, एटलीस्ट आपको 50% मार्क्स आपको मिल जाए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन से होते हैं फैशन डिजाइनिंग के लिए। सो गाइज बेस्ट इंस्टीट्यूट अगर आप मुझे पूछोगे, हर किसी को पूछोगे तो हर किसी का इंस्टीट्यूट का व्यू अलग है बेस्ट इंस्टीट्यूट कहने का। अगर मुझे पूछोगे तो मैं अपना ही कॉलेज बेस्ट बोलूँगी, बट मैं इसका आंसर बिना बायस हुए देना चाहती हूँ। और भी ऐसे इंस्टीट्यूट है जो काफ़ी अच्छे हैं, NIFT इज़ द बेस्ट ऑफकोर्स, बट NIFT के बाद अगर कहा जाए तो NAD इज़ ऑल्सो बेस्ट ऑप्शन फॉर यू गाइज। अगेन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात की जाए तो और भी काफ़ी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जो
जिनकी फीस भी कम होती है, उनके टीचिंग स्किल्स भी अच्छे होते हैं। तो अगर आपको वो इंस्टीट्यूट्स के बारे में जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनके 5 इंस्टीट्यूट ऐसे बता दूंगी जो के प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जो अच्छा पढ़ाते हैं एंड उनके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी वो अच्छे देते हैं। वो इंस्टीट्यूट है जो जिनके फीडबैक्स मुझे काफ़ी अच्छे मिले हैं। बट मैं एक और बात मेंशन करना चाहती हूँ, क्योंकि हर किसी का एक अलग व्यू होता है इंस्टीट्यूट के लिए। जब मैंने INIFD चूज़ किया था तो मैंने एटलीस्ट 10 लोगों से बात की थी, उसके सीनियर अपने सीनियर से बात की थी कि ये कॉलेज कैसा है, ये कॉलेज कैसा है। तो मैं एक श्योर कि आप भी वही करें, और अगर आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तो आपका जो भी इंस्टीट्यूट है आप उसको इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हो, उसके थ्रू, उसके फॉलोइंग के थ्रू जाके, या फिर उस इंस्टीट्यूट ने जिसे जिसे टैग किया है वहाँ से आप उन सीनियर्स के कॉन्टैक्ट्स निकाल सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो कि ये इंस्टीट्यूट कैसा है। सो इसमें कोई भी कुछ भी हिचकिचाहट की बात नहीं है। आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप श्योर होना चाहिए उस कॉलेज के बारे में। अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगी कि आप आपका खुद का स्टडी कीजिए, आप आपका खुद का रिसर्च कीजिए और फिर ही आप इंस्टीट्यूट चूज़ कीजिए, क्योंकि और भी काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट अवेलेबल है जो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि फ़ीस क्या होती है। तो फीस हर एक इंस्टीट्यूट की अलग अलग होती है, बट अगर हम एक नॉर्मल फिगर, एवरेज फिगर लेके चले, देन दैट इज़ अ 1 लाख फॉर 1 ईयर। और कुछ इंस्टीट्यूट्स में होता है 75 से भी स्टार्ट होता है, कुछ इंस्टीट्यूट में 85,000 से भी होता है, कुछ इंस्टीट्यूट में 1.5 लाख रुपये भी फी होती है एक साल के लिए। दैट रियली डिपेंड ऑन योर इंस्टीट्यूट कि आपका इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। अगर बेसिक फी आप मुझे पूछते हो देन 1 लाख रुपीज़ पर ईयर आपको पे करना पड़ता है फैशन डिज़ाइन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि सिलेबस क्या होता है। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट मुझे एवरी पर्सन पूछता है कि दी सिलेबस क्या होता है। डिप्लोमा लिया तो सिलेबस क्या होगा, BSc लिया तो सिलेबस क्या होगा, मास्टर्स में सिलेबस क्या होता है। देन सिलेबस का मैं पूरा स्ट्रक्चर ये स्क्रीन पे यहाँ पे दे दूंगी, आप अभी देख सकते हो। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको मुझे जब भी कोई पूछता है तो मुझे पर्सनली इसको इस सिलेबस को भेजना पड़ता है। देन दिस इज द सिलेबस जो सारे सब्जेक्ट होते हैं मैं अच्छे से मैंशन किए हैं। एंड अगर आप उन सब्जेक्ट के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली टॉक टू यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज की जॉब गारंटी क्या है, कि फैशन डिजाइनिंग करने के बाद आपका आपको कितने कैंपस प्रोवाइड करता है, आपको जॉब प्रोफाइल क्या क्या मिल सकती है। सो ये एक क्वेश्चन है जो मुझे काफ़ी बार पूछा जाता है। आपको जॉब्स के कैंपसेस प्रोवाइड होते हैं बट सिलेक्शन आपको आपके स्किल्स के ऊपर होता है। आपको जॉब अश्योरेंस कोई इंस्टीट्यूट नहीं दे सकता है, आपको सिर्फ जॉब्स के कैंपसेस मिलते हैं। हर एक इंस्टीट्यूट आपको जॉब्स के कैंपसेस प्रोवाइड करेगा, उस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आप कितने कैंपसेस क्रैक कर पाते हो दैट रियली डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स। तो पूरा तरह से इंस्टीट्यूट पे इस चीज़ के लिए डिपेंड होना कि आपको आपका इंस्टीट्यूट जॉब अपॉर्चुनिटीज देगा, दैट इज़ नॉट रियली अ गुड ऑप्शन। आपको आपके खुद के हिसाब से भी आपको आपके स्किल्स डेवलप करने होते हैं। आप आपके स्किल्स कितने इंप्रूव करेंगे इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको आपके लाइफ में जॉब अपॉर्चुनिटीज कितने मिलेंगे। नेक्स्ट मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन इज गाइस कि 10th के बाद फैशन डिजाइनिंग करना चाहिए या 12th के बाद या फिर कोई ग्रेजुएशन के बाद। दैट इज समथिंग कि आप कितने फोकस्ड हो। आपको फैशन डिजाइनिंग ही अगर करना है देन आप 10th के बाद भी कर सकते हो, 12th के बाद भी कर सकते हो। और अगर आपको कोई बैकअप प्लान चाहिए है लाइफ में, जैसे कि अगर आपको लगता है कि फैशन डिजाइनिंग नहीं वर्क किया तो मैं क्या करूँगी, तो दैट टाइम यू शुड थिंक अबाउट कि मैं कोई ग्रेजुएशन कर लूँ और उसके बाद में फैशन डिजाइनिंग कर लूँ। बट अगर आप 10th और 12th के बाद भी फैशन डिजाइनिंग करते हो तो काफ़ी सारे आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, क्योंकि आपकी एज कम होती है, आप न्यू जनरेशन होते हो। एंड फैशन डिजाइनिंग में जब भी नए कैंपसेस लिए जाते हैं तब मैंने बहुत बार देखा है कि 12th के बाद जो बच्चे फैशन डिजाइनिंग करते हैं उनको ज़्यादातर प्रेफराइज किया जाता है, क्योंकि दे आर द न्यू जनरेशन, काफ़ी सारे उनमें अच्छे अच्छे स्किल्स होते हैं। मैं प्रेफर करूँगी कि अगर आप 12th के बाद फैशन डिजाइनिंग करते हो देन दैट इज़ अ वेरी बेस्ट थिंग फॉर यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइस कि ड्रॉइंग स्किल्स, इंग्लिश स्किल्स कितने अच्छे होने चाहिए। इंग्लिश हमें नहीं आती है, ड्रॉइंग्स हमें नहीं आती है, तो क्या फिर भी मैं फैशन डिज़ाइनर बन सकती हूँ। यस गाइज, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं होती है, इंग्लिश ही तो है, रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, आप सीख जाओगे धीरे धीरे। और ड्राइंग स्किल्स भी जब जैसे आप फैशन डिज़ाइन में एडमिशन लोगे धीरे धीरे आपको सब सिखाया जाएगा, स्टार्टिंग में किसी को भी कुछ भी नहीं आता है। और फैशन डिज़ाइनिंग इज़ अ समथिंग कि आपको ड्राइंग ही सिखाया था स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में, एंड इंग्लिश इज़ समथिंग कि दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर फैशन डिज़ाइनर्स। बट ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आती है देन आप फैशन डिज़ाइनर बन ही नहीं सकते हो, आप सीख सकते हो धीरे धीरे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल। बट नहीं भी आती है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप फिर भी फैशन डिज़ाइनर बन सकते हो। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइस कि डू इंटर्नशिप पे यू। सो फैशन डिज़ाइनिंग में स्टार्टिंग सैलरी काफ़ी कम मिलती है, ट्रस्ट मी, मैंने जब इंटर्नशिप की थी काफ़ी कम सैलरी में इंटर्नशिप की थी, बट दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग, क्योंकि आपको उसके साथ साथ एक्सपीरियंस लेटर मिलता है और आप कॉलेज के साथ साथ करते हो। काफ़ी बार ऐसा होता है, मैंने खुद ने 2 बार अनपेड इंटर्नशिप की है, देन दैट इज़ समथिंग कि आपको एक्सपीरियंस मिलता है। इंटर्नशिप इज़ समथिंग दैट रियली पेज यू वेल, समटाइम्स दे डू नॉट पे यू, बट दैट इज़ ओके।
सकें। स्टार्टिंग में आपको अगर पे नहीं करते हैं देन दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, क्योंकि बाद में आपको एक्सपीरियंस लेटर के थ्रू आपको उसका एक एडवांटेज मिलता ही है। लास्ट मोस्टली आज क्वेश्चन इज कि स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है फैशन डिजाइनिंग में। मोस्टली जो भी लोग फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हैं ये इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि स्टार्टिंग सैलरी हमें क्या मिलेगी। तो स्टार्टिंग सैलरी इज समथिंग की 10 से 15 हज़ार रुपये तक मिलती है, एंड इफ़ यू हैव अ वेरी गुड स्किल्स तो आपको 40 से 50 हज़ार तक भी आपकी सैलरी बढ़ सकती है। सो दीज आर ऑल दी क्वेश्चन जो मुझे काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, और मैं इन सारे क्वेश्चन के आंसर रिपीटेडली देती हूँ। तो मुझे लगा कि ये सारे क्वेश्चन मुझे अपने सीरीज में ऐड करने चाहिए ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाए। या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप यू आर लाइकिंग दिस सीरीज। प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये वीडियो शेयर करें, आप ही उन सबको शेयर कर सकते हो, यू नो द पर्सन जिससे फैशन डिजाइनर बनना है, आपकी बहन हो, आपकी फ्रेंड हो, या फिर आपकी कोई रिलेटिव्स में कोई हो, प्लीज़ 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 ये वीडियो शेयर कीजिए। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप यू आर लाइकिंग दिस सीरीज। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो कमेंट ऑन बिलो। विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो ऑन नेक्स्ट वेनसडे एंड नेक्स्ट फ्राइडे। सो तब तक के लिए बी अ रीजन समवन स्माइल एंड कीप स्माइलिंग। टाटा, बाय बाय। वीडियो इज हिंदी वहां पे। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल।